क्या डर है जो है सारी खुदाई भी मुखालिफ, काफ़ी है अगर एक खुदा मेरे लिए है। तौहीद तो यह है कि खुदा हश्र में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। ये तकरीब तकमील कुरान की है, ख़त्म कुरान इसको नहीं कहना चाहिए। और ये महफिलें अल्लाह के लिए ज़मीन पर ऐसे चमकती हैं कनजूमिन के समा, जैसे आसमान पे नज़र करो तो सितारे चमक रहे हैं, इसी तरह आसमान वालों के लिए ज़मीन पर ये महफिलें चमक रही होती हैं। अल्लाह का नूर बरस रहा होता है और इसके ख़त्म होने से पहले ही ऐलान कर दिया जाता है कि बख्शे बख्शाए अपने घरों को चले जाओ। एक रिवायत में आता है कि कहन्नहा उलिदत फी बतनी उम्मी, ऐसा है गोया अपनी माँ के पेट से आज पैदा हुआ है, कोई इसने गुनाह किया ही नहीं है। कुरान वो किताब है जो दरस इनकलाब है, इंसान की जिंदगियों को तब्दील करने के लिए अल्लाह ने जो किताब दी है वो कुरान है। कुरान क्या है, इसका तारुफ क्या है? नज़ल बिहि रूहुल अमीन अला क़ल्बि बिलिसानिन अरबी मुबीन, जिब्रील के ज़रिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अरबी ज़बान में अल्लाह ने कुरान उतारा है। क्यों उतारा है? अल्लाह बंदे से, ये बंदा अल्लाह से क्या चाहता है वो इस कुरान के अंदर पता चल जाएगा। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने इस कुरान को यूँ समझ लिया है कि ये एक बरकत की किताब है। इसको चूम लो, चाट लो, इसको दुल्हन के सर पे रख लो, कोई मर जाए तो पढ़ लो, जिंदा को ये कोई फ़ायदा नहीं देती। हालांकि कुरान जिंदाओं के लिए आया है, मुर्दा को तो वैसे ही फ़ायदा मिल जाएगा। जिंदा इंसान की ज़िंदगी कैसे तब्दील होगी वो इस कुरान के ज़रिए होगी, जो हम करना नहीं चाह रहे। वो इकबाल ने किसी दौर में कहा था, वो ज़माने में मौजिज थे हामिल कुरान होकर और हम जलील ख़्वार हो गए तारिक कुरान होकर। कुरान को छोड़ दिया, जो हमारा हाल है वो हमारे सामने है। इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, इससे तावीज़ ले लो, इससे दम करा लो, कुछ भी नहीं होगा भाई। जब तक अल्लाह नहीं चाहेंगे कुछ भी नहीं होगा। मा शा अल्लाह कान वमा लम यशा लम यकुन, जो अल्लाह चाहते हैं वो होता है, जो अल्लाह नहीं चाहते वो नहीं होता। वअन्नहु हुवा अलहक वअबका, हंसाता भी अल्लाह है, रुलाता भी अल्लाह। وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى, غنی بھی اللہ کرتا ہے, فقیر بھی اللہ کرتا ہے, سب کچھ پاس ہوتا ہے۔ آدمی گھر میں بیٹھ جاتا ہے, بولتا ہے میں اپنے پیسے ہیں نا, اپنی آمدنی خود ہی کھا رہا ہوں اور غریب ہو رہا ہوں, یہ کون کرتا ہے؟ اللہ۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا, زندگی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اور موت, اللہ دیتا ہے۔ जब ज़िंदगी भी अल्लाह देता है, मौत भी अल्लाह देता है, तो फिर दस्ताना बचा सकता है इंसान को? ये सैनिटाइज़र, ये गल्फ लगा लिया, इससे बस हिफाजती अकदामात से कोई इनकार नहीं है, सही है। लेकिन मीडिया के चक्कर में कम से कम पागल तो नहीं हो जाए ना आदमी? तो करने वाली ज़ात कौन है भाई? नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा, तुम्हारा रब कौन? उसने कहा अल्लज़ी खलक़नी व यहदीन, पैदा करता है चलाता है। वाइज़ा मरीज़ फ़हुव यशफीन, जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो क्या करता है अल्लाह पाक? मेरे को शिफा दे देता है। तो ये वो कुरान वो किताब है जिसकी वजह से इंसान की ज़िंदगी तब्दील होती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युकालु लिसाहिबिल कुरान, क़यामत के दिन कुरान वाले से कहा जाएगा, इक़्रा वर्तकी, पढ़ता जा, चढ़ता जा, वरतिल कमा कुंता तुरतिलु फी दुनिया, और सुन ठेर ठेर के ज़रा तजवीज़ से ज़रा तरतील से पढ़ जैसे कि तू दुनिया में मुझको राज़ी करने के लिए पढ़ता था। फ़ैन मंजिल आखिरी आयत मातकरा, तेरा ठिकाना वो बनेगा जो सबसे आखिरी आयत तू पढ़ेगा वहाँ तेरा ठिकाना बन जाएगा। तो कितनी 6666 के करीब करीब आयते हैं, कुछ कम कुछ ज़्यादा 6500 से बड़ा 6500 मंजिल का घर अगर किसी को मिल जाए, और हमारी एक मंजिल दूसरी मंजिल से कितनी होती है? 10-12 फीट का फासला होता है, एक छत से दूसरा छत का कितना फासला होता है? 10-12 फीट का होता है। साहबा ने पूछा उस एक दर्जे का दूसरे दर्जे का कितना फासला होगा? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
इला बैन समा इला आसमान से लेकर जमीन तक का फासला होगा उसका, एक दर्जा इतना ऊंचा है आसमान से लेकर जमीन तक का एक दर्जा है। जब अल्लाह पाक इतनी नेमतें दे रहा है तो फिर हम सारे अपने बच्चों को हाफिज को नहीं बना लेते। बोलते हैं मदरसे में जमा करा देंगे तो खाएंगे कहाँ से, अभी भी तो मदरसे वाले सारी जगह राशन दे रहे हैं ना, सब घर में बैठ गए तो मदरसे वाले ही दे रहे हैं ना, और कोई तो नहीं दे रहा। अगर गवर्नमेंट तो अपना जानलूम भर रही है, उसको तो काम यही होता है। तो भाई ये बात है सारी यकीन की, अगर ईमान दिल के अंदर होगा तो अमल करना आसान हो जाएगा। ईमान नहीं होगा सुनी सुनाई बातें होंगी। हर आदमी फेसबुक का दानिश्वर है, इतना बड़ा मौकिक आदमी हैरान रह जाए, अमल देखो दो नंबर। क्योंकि यकीन जो है ना, यकीन की महफिलों में आता है। एक औरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, कहने लगी या रसूलल्लाह इब्नी कद उस्तुशीदा मा, मेरा बेटा आपके साथ गया और शहीद हो गया। मेरा बेटा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद में गया और शहीद हो। अम्मा है ना, माँ को बेकरारी हो रही। माँ ने बोला इनकान फिल जन्नति फरिह तो मिन हो, अगर मेरा बेटा जन्नत में चला गया है तो मैं खुश हो जाऊंगी। वह इनकान गैरा जालिक, अगर मेरा बेटा जन्नत के अलावा कहीं और चला गया है। देखो गौर करो मेरी बात, माँ है ना, माँ अल्लाह पाक ने दो चीजें बनाई है, जन्नत और बोलो जानू। उसने माँ ने यूं नहीं बोला कि मेरा बेटा जानू में चला गया है, नहीं, कहने लगी इनकान गैरा जालिक, अगर जन्नत के अलावा कहीं और चला गया है तो मैं उसके लिए मेहनत करूँ, कोशिश करूँ, दुआ करूँ अल्लाह से। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने तुम्हारे बेटे को कबूल कर लिया है। कासूरी मिनस समा, एक आसमान का परिंदा है, उसके पोते में उसकी रूह डालती है, वो उड़ता फिरता है, अर्श के नीचे उसका घोंसला लगा दिया है, वो उसमें आके आराम करता है। अगर तुम कहो मैं अल्लाह से दुआ करूँ तो मैं दिखा दिया, आसमान के पर्दे हट जाएंगे, तुम देख लेना अपने बेटे को। ऐसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। अगर तुम कहो मैं दिखा दूं, उस औरत ने कहा नहीं या रसूलल्लाह आपने कह दिया काफी है। औरत ने क्या कहा? आपने कह दिया काफी है। वो औरत दूसरी औरतों में आ गई, अपनी सहेलियों में आ गई, वो आके कहने लगी मैं अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई, मैंने कहा मुझे मेरा बेटा याद आ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं दिखला दूं, नहीं मैं मना करके आ गई। उस सहेली ने कहा ओ खुदा की बंदी, जब तू गई थी तो देख कर आ जाती उसको। तो उसने कहा अगर मैं देख लेती तो फिर यकीन किस चीज़ का रहता? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया जन्नत में चला गया, मैंने कहा चला गया, मेरी आंखों पे खुदा की कसम मुझे अपनी आंखों पे इतना यकीन नहीं है जितना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात में मुझको यकीन है। इस महफिल का ये खासा होता है कि आदमी ईमान की बातें सुनता है तो उसका ईमान बनना शुरू हो जाता है। अच्छा सुनो, कभी किराएदारों से वास्ता पड़ा है? किराएदार हमें से हर आदमी कभी किराए पे रहा है या किराए पे रखा है उसने। एक बहुत शरीफ और ताकतवर मालिक हो, मेरी बात समझना, मालिक मकान है या मालिक दुकान है, बहुत शरीफ, बहुत अच्छा इंसान, बहुत ताकतवर इंसान, जितना हम समझ सकते अपने तसव्वुर में ताकतवर। और किराएदार जो है ना इंतहाई जलील और ढीठ और गलत पर, सही है, वो बर्दाश्त करता रहे करता रहे करता रहे, फिर उसके साथ करेगा क्या? वो सोचो बहुत बुरी हो जाएगी ना उसके साथ। बस ये बात है सारी, हम सब किराएदार हैं और अल्लाह पाक मालिक है। उस मालिक को गुस्सा आ गया और कुछ भी नहीं, ये बातें करना वो चिप लग जाएगी हमारे को, वो 5G आ जाएगी, वो ये हो जाएगी, वो भाई अल्लाह नाराज हो गया, बात खत्म हो गई। बस उसको राजी कर लो, ये किसी इंसान के बस की ताकत नहीं है, ये किसी इंसान का ज़हन नहीं है कि हवाई जहाज भी रोक दे, समंदर को भी रोक दे, सड़कों को भी रोक दे, इंसान को भी रोक दे, जो जहाँ खड़ा वहीं खड़ा हो जाए। ये तो मालिक कर सकता है, कोई इंसान की इतनी ताकत हो ही नहीं सकती। तो उस अल्लाह को राजी कर लो,
थोड़ा सा पीछे जाओ ना, थोड़ा सा कोरोना 20-22 मार्च 15 मार्च 10 मार्च से पीछे जाओ, दुनिया का हाल तो देखो। सारी की सारी पब्लिक इतनी, कोई पंजाबी का लफ्ज है वेले, इतने कोई फारिग है बैठे में। दानिश मर गया, खलील रहमान ने अच्छा नहीं किया यार, दानिश को मार दिया भाई। और कोई काम नहीं है दुनिया में, और कोई सारे मसले खत्म हो गए। और ऐसे मेरा जिसे मेरी मर्जी, ओ अब आओ भाई सड़क पर आ जाओ, तुम्हारा जिसम तुम्हारी मर्जी चलाओ ना। अभी तो घरों में छुप के बैठ गए, अभी अपनी मर्जी नहीं चला रहे तुम लोग। भाई अल्लाह कह रहा है आओ, और तुम उससे मुकाबला तो करो। तुम्हारी औकात, तुम्हारी हैसियत क्या, तुम्हारी उनको अरब को देख लो, वो दुबई के अंदर मंदिर बना के शश्रीकार नमस्कार पता क्या क्या। भाई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मना कर दिया कि हरम की ये अरब की सरजमीन को मुशरिकीन से पाक करो, तो तुम किसकी के नाम मान, किसके हुक्म पे चल रहे हो? तुम बड़े बड़े दावे कर रहे हो कि जब तक हमारा तेल खत्म नहीं होगा, जब तक दुनिया में गुरबत नहीं आएगी, तो अल्लाह ने कहा जाओ ये तेल पी लो, ये पियो और जियो, ये मैं मालिक हूँ, मैं तेल को भी नीचे ला सकता हूँ, ये लो ये लो जाओ इसको पियो। जिब्रील अमीन इंसान की सूरत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह मता तक़ुमु सा, कयामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मल मसूलु अन्हा बि आलम मिन असाइल, जो पूछ रहा है जिससे पूछा जा रहा है दोनों को मालूम नहीं। बात ही खत्म हो गई, क्या झगड़े करना, लंबे लंबे इल्म गैब होता है, फला चीज होती है नहीं होती, पर बात ही खत्म हो गई। आपने फरमाया जो पूछ रहा है, जिससे पूछा जा रहा है, कयामत तक, कयामत के बारे में किसी को नहीं पता चल सकता, बात खत्म। जिब्रील ने फरमाया कि फाखबिरिन अमारती, हाँ अच्छा कुछ निशानियां बता दें हमारे कि अगर कयामत करीब हो तो हम अपनी जिंदगियों को सही कर ले, कुछ निशानियां बता दें। आपने फरमाया अन तलिल अल अमत रब बताहा, ए मुखातिब तू देखेगा माँ से ऐसा सुलूक किया जाएगा जैसे घर की गुलाम बाजी से किया जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावान तरह हुफातल औरातल आलम रिया अशाई यतकावलून फिल बुनियाद, ए मुखातिब तू देखेगा बकरियों के चराने वाले, फटी चप्पलों वाले, फटे कपड़ों वाले बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने पर फख्र महसूस करेंगे। तूने बुर्ज खलीफा बना लिया, मैंने इससे बड़ा जमजम टावर बना लिया, जो इसी पे जाके ने नीचे खुदकशी कर लो, अल्लाह को तुम्हारी जरूरत भी नहीं। साफ लफ्जों में अल्लाह ने फरमाया सीधे चलते हो ठीक नहीं, वहीं ततावल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकुन अम्थालकुम, तुमको हरा कर दूंगा, तुम्हारी जगह दूसरों को ले आऊंगा, और तुम्हारी फिक्र भी नहीं होगी, तुम्हारी कोई नाम लेने वाला भी नहीं होगा दुनिया के अंदर। क्या फख्र करें बड़े बड़े मुल्क बना के, बड़ी बड़ी चीजें बना के, बड़ी बड़ी ये बना के, बड़े बड़े जाओ ना, फिर एक एक कोरोना का इलाज तलाश कर लो, फिर बाद में बड़ी बड़ी भड़के मार लें। तो इंसान आजिजी से झुक जाए, अल्लाह से इस्तगफार कर ले, तौबा कर। हर इंसान अपने आप को बेहतर तरीके से जानता है कि मेरे अंदर कितनी अच्छाइयां और कितनी बुराइयां हैं। अल्लाह से रुजू करो, अल्लाह से माफी मांगो, उसको आजिजी पसंद है। जुल्म से, जोर से, ज्यादती से भर दिया जमीन को, कश्मीर को बेच दिया, खुद ही रोने लगे। कितना 2-2.5 महीने के लॉकडाउन से हलक में यहाँ जिंदगी आ गई, यहाँ सबकी, मेरी भी, सबकी बात करो, यहाँ जिंदगी आ गई, परेशान है, अब क्या होगा है? और उनको देखो, उनका तो ना लाइट है, ना पानी है, ना नेट है, ना कुछ है, ना जिंदगी है, ना दवा है, ना राशन है, ना कुछ है। हम तो अभी आराम से बैठे हुए, अभी इतनी सारी बिरयानी खाएंगे, घर चले जाएंगे, ये कौन सा लॉकडाउन है? फलस्तीन का हाल देखो, अफगानिस्तान का देखो, शाम का देखो, 4.5 लाख बच्चे कत्ल हो गए उनके, 4.5 लाख बच्चे। वो मेरी नस्ल को उजाड़ने वालों, तुम्हें पता है बेटा कैसे जवान होता है? किसी को पता है बेटा कैसे बड़ा होता है? किसी का बेटा हो, वो बड़ा हो, उसको गोली मार दो, कैसा लगता है? कैसी जिंदगियां उजड़ जाती है, कैसी जिंदगियां उजड़ गई, हमको एहसास ही नहीं हुआ।
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے کے سارے مومن انما المؤمنون كجسد واحد ان اشتكى عينه اشتكى كله وان اشتكى راسه اشتكى كله. اگر سر میں درد ہوتا ہے سارا جسم متاثر ہوتا ہے, اگر آنکھ میں درد ہوتا ہے سارا جسم اس کو محسوس کرتا ہے. آنکھ میں درد ہے یار ہم گھومنے جا رہے ہیں, یار تو چلا جا میری آنکھ میں ذرا درد, مجھے تکلیف ہے میں نہیں جا سکتا یار, میں فلاں کی شادی میں نہیں جا رہا یار, یہ مسئلہ ہے یار میں نہیں جا سکتا, میری آنکھ میں مسئلہ ہے. اور سارے کے سارے مومن اجڑ گئے, سارے برباد ہو گئے, تباہ ہو گئے, ذلیل ہو گئے, خوار ہو گئے, ہم کو فکر ہی نہیں ہوئی. ہماری فکریں تو دیکھو اپنے دلوں میں ٹٹول کے, تو دیکھو ہماری فکریں کیا ہے. پیچھے پڑ گئے مولانا طارق جمیل صاحب کے, نہیں انہوں نے ہم کو خائن کہہ دیا ہو, انہوں نے ہم کو جھوٹا کہہ دیا ہو, انہوں نے ہم کو بددیانت کہہ دیا, ہم فرشتے, ہم حاجی نمازی, ہمیں برا کہہ دیا انہوں نے. وہ تو بیچارہ شریف آدمی, اس کو کیا پتا میڈیا کے چکر کیا ہوتے ہیں. تم جاؤ نا خادم اسے رضوی سے معافی منگاؤ, تمہیں معافی بتائے گا, تمہیں سات نسلوں کو معاف کرے گا, صحیح سے اس سے منگواؤ ایک مرتبہ معافی. انہوں نے کیا برا کہا مجھے بتاؤ نا. انہوں نے قرآن جو بیان کر رہے, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے, انہوں نے وہ بتا دیا, ہم کو برا لگ گیا. اللہ فرماتے زار الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ آیت ہے جو سبھی سے نے پڑھی ہے قرآن کے اندر, خشکی اور تری میں جو بگاڑ ہے وہ انسان کے ہاتھ کی کمائی ہے, بات ہی ختم ہو گئی. اور ایک جگہ اور فرمایا ویعفو عن کثیر, بہت سب تو ہم معاف کر دیتے ہیں, اگر سب پہ پکڑے گے تمہارا حشر نسل ہی ختم ہو جائے دنیا کے اندر. تو یہود کی ایک حالت قرآن نے بیان کی, ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں, کسی کو اچھا لگے برا لگے بھائی قرآن کی بات ہے, ہم تو بھائی صاف راستے کی بات بولیں, ٹھیک ہے. قرآن نے ایک صفت بیان کی ہے, کلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم, جب بھی کوئی رسول آتا تھا جو ان کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتا تھا. فی البدی ترجمہ کر, ففریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون, کچھ لوگ تو نبی کو جھٹلا دیتے تھے, کچھ آگے بڑھ کے نبی کو قتل کر دیتے تھے. یہ یہودیوں کی اللہ نے ایک صفت بیان کی کہ جب بھی ان کو رسول کی بات اچھی نہیں لگتی وہ رسول کے ساتھ یہ کرتے تھے. اور رسولوں کا وارث کون ہوتا ہے بولو؟ العلماء ورثۃ الانبیاء. نبی تو علم چھوڑ کے جاتے ہیں, جن کے وارث علماء بنتے ہیں. یہود قتل کرتے تھے انبیاء کو, اور یہود کے ایجنٹ قتل کرتے ہیں علماء کو. یہ جو مولانا طارق جمیل صاحب نے بولا نا کہ ہمارے اندر یہ 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 صفت ہے, میں بتاتا ہوں ان ساری صفت کو اگر ایک جگہ جمع کرو اس کو کہتے ہیں خوشے میں بند کر دینا, تو اس کا ایک لفظ بنے گا, اس کو کہتے ہیں منافق. ہم اصل میں وہ ہیں. منافق کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ذو الوجہین, دو چہرے والا. میرا یہاں چہرہ یہ ہے, یہاں چہرہ یہ ہے, جہاں جائے اسی کی بات کرے. تو منافق کی اللہ نے چار صفت اللہ نے بیان کی ہیں, چار صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں, تو میں آٹھ صفت بیان کرتا ہوں. میں سب سے پہلے اپنی ذات کو بولتا ہوں, آپ لوگوں کو نہیں بولتا, تو یہ حکومت تو طارق جمیل کو نہیں بخشتی, مجھے کیا بخشے گی. تو میں آٹھ صفت بیان کرتا ہوں, ہر آدمی دیکھے میرے ساتھ, میرے اندر پوری آٹھ ہیں, آٹھ نہیں تو سات, چھ پانچ چار تین دو ایک تو ہوگی, ایک تو ہوگی. تو قرآن نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم, اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. منافق سب سے پہلے کام کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں, خدا فریبی کے چکر میں خود فریبی کا شکار ہو جاتے ہیں. دوسری صفت وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى, نماز میں کھڑے ہوں تو سستی کرے. یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, اللہ کا ذکر کرے نا تھوڑا بہت دکھلانے کے لیے لوگوں کو, ہاں بڑی بڑی تسبیح, شو شو تیرے کو بھی دم کر دیا تجھے بھی کر دیا, تیرا بھی کام ہو, اتنی بڑی تسبیح. مذب زمین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا, نہ ادھر ہوں گے نہ ادھر ہوں گے, نہ تین میں نہ تیرہ میں, چڑھتے سورج کو سلام. اور چار صفت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی, فرمایا آیات المنافق ثلاث اذا حدث كذب, جب بات کرے گا جھوٹ بولے.
वादा वादा अखलफा, वादा करेगा खिलाफ कर जाए। वायदु तुमिना खाना, जब अमानत उसके पास रखा तो खयानत कर लेगा। और एक और हदीस में फरमाया वायदा खासा में फजारा, जब झगड़ा हो जाएगा गंदी गंदी गालियां देगा। यूनुस अलैहिस्सलाम के कौम पे अजाब आया, उनको कहा तुम अल्लाह से इस्तग़फ़ार करो। उन्होंने कहा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, ए अल्लाह हम ज़ालिम हैं, हमें माफ़ फरमा दे, आप पाक ज़ात हैं। अल्लाह ने अजाब को हटा दिया। ये कौन सी नई बात, माफ़ी मांगने पर अभी भी तैयार नहीं है। 100 प्लानिंग है हम सबकी, मेरी भी 100 प्लानिंग है, ये ख़त्म होगा ना तो मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा और बहुत सारा, लेकिन किसी के भी दिल में नहीं है कि माफ़ी मांग के अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजारने की कोशिश करूँगा। डॉक्टरों से ऐसी चीज़ से डर रहे हैं जो नज़र नहीं आ रही और उसकी दवा भी नहीं मिल रही। अभी तो अल्लाह का मान लो, अभी तो अल्लाह की मान लो। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी कौम से, नूह अलैहिस्सलाम अपनी कारगुजारी अपने अल्लाह को बता रहे, फ़कुल तस्तग़फिरु रब्बकुम, मैंने अपनी कौम से कहा इस्तग़फ़ार करो, इन्नहु काना गफ़ारा, माफ़ कर देगा। युरसिलिस समाअ अलैकुम मिद्रारा, बारिश बरसाएगा आसमान से, वयुमदिदकुम बि अमवालिन व बनीन, नर बेटे देगा तुम्हें, औलादे देगा, वयजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा, बागात देगा, नहरें तुम्हें चला देगा। मालकुम ला तरजून लिल्लाहि वक़ारा, तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें अल्लाह की कदर कीमत खो बैठे हो तुम लोग। अल्लाह बाग फरमाता है यबना आदम उतलुबनी तजिदनी, तू मुझे तलाश करेगा पा लेगा, तू कोशिश तो कर। फ़ैन वजदतनी वजदत कुल्ला शय, अगर तूने मुझको पा लिया सारी चीज़ें पा ली। वैन फातनी फाता का कुल्ला शय, अगर तूने मुझको खो दिया सब कुछ खो दिया, सारी दुनिया तेरे को मिल गई, मैं नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला तेरे। यबना आदम इन जगर तनी जगर तो, वैन नसी तनी जगर तो, तू मुझे याद करता है मैं तुझे याद करता हूँ, तू मुझे भूल जाता है मैं फिर भी तुझे याद करता। तो भाई हम अपनी जिंदगियों के नक्शों को बदलें। ये पुलिस से, रेंजर से, ये कोरोना से डर से दुकानें बंद हो रही है, कभी अल्लाह के डर से दुकानें बंद करी हमने कभी? ठीक है, रमजान आ गया, हम अपनी जिंदगी बदलने पे तैयार नहीं है। तो अपनी जिंदगियों को बदलो भाई, अल्लाह पाक के खुद ब खुद अजाब को हटा देंगे। अपनी भी जिंदगियों को तब्दील करना है और अपने घर वालों की, अहलो आयाल की, ये सारी अहलो आयाल की जिम्मेदारी किसकी है, इंसान की जिम्मेदारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वकुल्लुकुम मसूलुन अलियतिही, तुम में से हर शख्स जवाब दे है, हर शख्स से उसके रियत के बारे में सवाल किया जाएगा। उस्ताद से शागिर्द का सवाल होगा, बताओ तुमने इसको किस रास्ते पे चलाया था। बाप से औलाद का होगा, शोहर से बीवी का होगा, हर एक से सवाल होगा। बस फेसबुक ले लेते हैं, खोल लेते हैं, बैठे रहते हैं, 24 घंटे हो जाते हैं, 18 घंटे हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, आँखें रगड़ लेते हैं, पानी डाल लेते हैं, बाज नहीं आते। इतने कुरान को पढ़ लो भाई, जिंदगी तो बदल जाए कम से कम। किसने, कितने लोगों ने आज तक तर्जुमे के साथ कुरान को पूरा पढ़ लिया? उज़्बेकिस्तान की जमात आई हुई थी, उन्होंने कहा हमारे बाप दादे जो गुजर गए ना, 100-120 साल बाद हमने देखा कुरान किसको कहते। इतनी सख्ती थी। रशिया ने कब्जा किया हुआ था मुस्लिम रियासतों के ऊपर, तो वो फौजी आते थे, कहीं कुरान तो नहीं पढ़ा, पढ़ा गोली मार दी, बस कुरान नहीं पढ़ा। क्योंकि जिस दिन कुरान को हमने सही से पढ़ लिया, उस दिन हमारा कोई इमाम नहीं होगा फिर दुनिया में, फिर हम अल्लाह वाले हो जाएंगे। तो वो कुरान नहीं पढ़ने दे पढ़ते, तो वो कह रहे हम इस तरह पढ़ते थे, लीडो ड्राफ्ट ताश के पत्ते रख लेते, वो खेलते रहते थे, फौजी आते बोले खेल लें, जैसे वो चले आते हटाते, कुरान पढ़ना शुरू करते थे। हमें तो कदर ही नहीं है ना, हमें तो मिला माँ के पेट में, हमें तो कदर ही नहीं है, हमें तो पता है इसको साल में एक मरतबा निकालना, उसमें से मट्टी झाड़नी, उसका पढ़ लेना और अल्लाह पहचान कर देना। नहीं भाई ऐसा नहीं करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया बहुत से लोग ऐसे आएंगे उनके नाम अमाल में हजारों हज, उम्रे, जिहाद, शहादतें। भाई एक आदमी एक शहादत करेगा ना, 10-15 मरतबा तो शहीद नहीं होगा, और पता नहीं राय खुदा में, और पता नहीं कितने उसके अमाल भरे हुए होंगे। या अल्लाह मैंने तो इतना किया, बोला भाई तुम इसका जरिया बने थे, तुम्हें याद है तुमने फला टाइम पर फला चीज फलों को दे दी थी, हाँ दे दी थी, उसने आगे ऐसा किया, उसने आगे, उसने आगे, उसने आगे, हमारे क्या नामाय अमाल अच्छे आगे जाएंगे, हमारे तो गुनाह आगे जाते हैं, गुनाह।
फॉरवर्ड कर, फॉरवर्ड मेरे को भेज जल्दी से, ग्रुप में डाल, मैं भी आगे डाला। अरे हमारा तो पासवर्ड भी किसी को याद नहीं है हमारे अलावा, हमारे मरने के बाद इसको कौन साफ करेगा? ये यहाँ किरामन कातिबीन या अलमूना मा तफालून, वही तो नहीं देख रहे ना, ये दोनों देख रहे हैं। इकरा किताबक कफा भी नफ्सी का यौम अलैका हसीबा, ओए पढ़ो अपने नामे अमल को और खुद ही गवाह हो जाओ। मन इहतदा फइन्नमा यहतदी लिनफ्सी वमन ज़ल्ला फइन्नमा यज़िलु अलैहा वला तज़िरु वाज़िरतुन वज़्रा उख़्रा। और जो नेकी करेगा अपना फायदा करेगा, जो बुराई करेगा अपना नुकसान करेगा, अल्लाह का कोई नुकसान नहीं हो सकता। वो समझ है, वो बेनियाज है, उसने बता दिया देखो मैं ऐसा बेनियाज हूँ, हरम भी बंद कर दो, मस्जिद नबी भी बंद कर दो, नहीं आओ नमाज पढ़ने, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। कुल्ला यौमिन हुआ फी शाफ, अल्लाह की बुजुर्गी और बड़ाई हर दिन बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, उसको कोई जरूरत नहीं है। हमसे अच्छे लोग उसके पास इबादत करने के लिए मौजूद है। इंसान के ऊपर परेशानी आती है ना, सबसे पहले वो भाग के मस्जिद में जाकर, अल्लाह पाक ने सबसे पहले मस्जिदों को बंद करा, नहीं आना यहाँ पर, इतनी सख्त नाराजगी है अल्लाह के हमारे से। तो भाई हम अपने अल्लाह को राजी करने वाले हो जाएं, अल्लाह से तोबा करें, अल्लाह से गिड़गड़ाएं, या अल्लाह ये क्या हो गया हमारी वजह से, या अल्लाह बस अब हमारी बस है, अब हम अपने आप को तब्दील करते हैं। तो इंसान आजिजी से झुक जाए, अल्लाह से इस्तगफार कर ले, तौबा कर। हर इंसान अपने आप को बेहतर तरीके से जानता है कि मेरे अंदर कितनी अच्छाइयां और कितनी बुराइयां हैं। अल्लाह से रुजू करो, अल्लाह से माफी मांगो, उसको आजिजी पसंद है। हर इंसान परेशान है। अब बाज लोगों के दिलों में यार होगा, यार मैं तो बहुत नेक हूँ, यार मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, देखो यार मेरे ऊपर कोरोना क्यों असर कर गया। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अगर दुनिया में कोई उमूमी अजाब आएगा, सब लोगों की बुराइयों की वजह से दुनिया में कोई उमूमी अजाब आएगा, तो क्या नेक लोग भी उसमें पिस जाएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए हाँ पिस जाएंगे, जैसे चने के साथ घुन भी पिस जाता है तो पिस जाएंगे, लेकिन आखिरत में अल्लाह पाक उनका मामला अलग करता है। अगर कोरोना से हमारी दुनिया भी खराब हो गई और हम भूखे प्यासे भी मर गए और अल्लाह के पास कलमे के साथ चले गए, तो भी बोलो अच्छा सोचा या बुरा?